हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन्स वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम बच्चों को किस तरह से दिस एंड दैट का कंसेप्ट सिखा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हेनेवर यू आर टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस एंड दैट टू योर चाइल्ड, ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। तो आप इस तरह से दो बलून ड्रॉ कर लीजिए। एक यहाँ ड्रॉ करना है जो इसके बिल्कुल ब्लैंक के बिल्कुल बगल में है, क्लोज है, और बोल सकते हैं कि उसके बिल्कुल नियर है। दूसरा ये बलून है जो हमने एरो देकर इसको ये सिग्निफाई किया है कि ये थोड़ा दूर है। तो हमें बच्चे को इस तरह से समझाना है कि थिंग्स विच आर नियर टू अस, विच आर क्लोज टू अस, जो हमारे पास हैं चीजें या फिर लोग, पीपल, ये सब जो हमारे पास हैं, हमारे क्लोज हैं, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये बलून हमारे पास है तो This is a balloon. In the same way, blank is a balloon. इस balloon को दूर दिखाने के लिए मैंने इस arrow से signify किया है, because ये balloon जो है वो हमारे पास नहीं है, हमें कुछ दूर पे है, ये far है। Is not close to us. ये हमारे थोड़े distance पे है, ये हमसे थोड़े distance पे है, तो इसके लिए हम क्या use करेंगे? That. That is a balloon because ये हमसे दूर है, it is far from us. This kite is very near to us. ये हमारे बिल्कुल नजदीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? This is a kite. और ये जो kite है इसको हमने arrow से signify किया है कि ये बहुत दूर है, तो जो सामान, जो लोग हमसे दूर होते हैं, हमसे थोड़े distance पर होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट। दैट इज अ काइट। दिस आइसक्रीम इज वेरी नियर टू अस, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस। दिस इज एन आइसक्रीम। और इस एरो से हमने ये सिग्निफाई किया है कि ये आइसक्रीम जो है हमसे दूर है, इट इज नॉट नियर टू अस, ये थोड़े डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट इज एन आइसक्रीम। जो चीजें हमसे दूर होंगी उसके लिए हम दैट यूज करेंगे, और जो हमारे बिल्कुल पास होंगी, वो चाहे पीपल हो, थिंग्स हो, या फिर कोई भी सिचुएशन हो, तो उसके लिए हम दिस यूज करेंगे। राइट? जब भी बच्चे को आप दिस और दैट का कंसेप्ट सिखाते हैं, तो बच्चा जब भी इससे खेल रहा हो या कोई चीज यूज कर रहा हो, जैसे ग्लास हो गया, स्पून हो गया, किसी टॉय से प्ले कर रहा हो, तो आप बच्चे को ये बताएं कि इसके लिए हम दिस यूज करेंगे, और दूर की चीजों के लिए, फॉर एग्जाम्पल टीवी हो गया, सन हो गया, मून हो गया, दैट यूज करके दिस एंड दैट का कंसेप्ट और भी क्लियर कर सकते हैं। नाउ आई हैव वन एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस। स्पेस इज अ बॉल, तो ये बॉल बिल्कुल ही नजदीक में बना हुआ है, क्या यूज होगा? दिस। दिस इज अ बॉल, हमारे बिल्कुल क्लोज में है, बिल्कुल नियर है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस। और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दैट। स्पेस इज अ हट, मैंने ये एरो इसलिए लगाया है ताकि इस हट को हम दूर सिग्निफाई कर सके। दिस हट इज फार फ्रॉम अस, इट इज एट अ डिस्टेंस, इट इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अस। जो भी चीजें हमसे दूर होती हैं, हमसे फार होती हैं, विच इज नॉट क्लोज टू अस, जो हमारे पास नहीं होती हैं, चाहे वो पीपल हो, थिंग्स हो, सिचुएशंस हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट। द हट इज फार फ्रॉम अस, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट इज अ हट। एग, दिस एग इज वेरी फार फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत दूर है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? दैट। दैट इज फार फ्रॉम अस, ये हमसे दूर है, हमारे पास बिल्कुल नहीं है, इट इज फार फ्रॉम अस, नॉट क्लोज टू अस, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट। दैट इज अ हैट, जो भी चीजें हमसे दूर होंगी उसके लिए दैट यूज करेंगे, जो चीजें हमारे बिल्कुल पास होंगी उसके लिए हम यूज करेंगे दिस।
मेनी दिस और दैट की एक्सरसाइज करने के बाद बच्चे को दिस एंड दैट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. विल गिव वन मिक्स्ड एक्सरसाइज यूजिंग दिस एंड दैट टू द चाइल्ड. कैंडी हमारे बिल्कुल पास है. व्हाट विल बी यूज हियर? दिस. दिस इज अ कैंडी. ये हमने एरो लगाया है बिकॉज ट्री हमारे पास नहीं है. इट इज फार फ्रॉम अस. तो जो चीजें फार होती हैं, विच इज नॉट क्लोज टू अस, जो हमारे बिल्कुल ही पास नहीं होती हैं, हमसे दूर होती हैं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट. दैट इज अ ट्री. तो ये जो बर्ड है ये हमसे दूर है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? दैट. दैट इज अ बर्ड. आइसक्रीम बिल्कुल हमारे क्लोज है, इट इज नियर टू अस, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? दिस. नाउ वी विल सी द यूज ऑफ दीज एंड दोज. पेरेंट्स, जब बच्चे को आप दिस दैट दीज दोज का कंसेप्ट सिखा रहे हो तो पहले ये देख ले कि बच्चे को दिस एंड दैट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, तब आप दीज एंड दोज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करें इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन अमंग द चाइल्ड. स्पेस आर पेंसिल्स. तो बच्चे को आप पेंसिल्स काउंट करने के लिए कहिए, तो बच्चा बोलेगा 1 2 3. हाउ मेनी पेंसिल्स? 3. आप और एक पेंसिल यहां ड्रॉ कर दीजिए. 1 पेंसिल. दिस इज 1 पेंसिल. तो अब बच्चे को ये पूछिए कि हमने एक पेंसिल जो हमारे नजदीक होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? तो बच्चा बोलेगा दिस. जब कोई भी एक सामान हमारे पास होता है या कोई एक पीपल भी होता है तो उसके लिए हम दिस यूज करते हैं. जब एक से ज्यादा चीजें या पीपल हमारे पास होते हैं तो उनके लिए हम यूज करते हैं दीज. फॉर एग्जाम्पल हेयर पेंसिल, हमारे पास एक पेंसिल होगी तो हम यूज करेंगे दिस. और हमारे पास पेंसिल अगर 1 2 3 पेंसिल होंगी तो हम यूज करेंगे दीज. दीज आर पेंसिल. दिस का यूज हम तब करेंगे जब चीज हमारे पास होगी, बिल्कुल पास होगी, वेरी क्लोज एंड नियर टू अस, बट वो सामान एक ही होगा, वो एक ही पीपल होगा. दीज का यूज तब करेंगे जब सामान बिल्कुल हमारे पास होगा लेकिन वो एक से ज्यादा होगा, मोर देन वन. तो हम क्या यूज करेंगे? दीज. दिस एक सामान के लिए, और 3 है तो यहां पेंसिल्स 3 है या फिर मोर देन 1 होती तो हम क्या यूज करेंगे? दीज. दोज का कंसेप्ट सिखाने के लिए पहले हम बच्चे को दैट का कंसेप्ट रिकॉल करवाएंगे. तो इसमें हम एरो देकर सिग्निफाई कर देंगे एक पेंसिल को, लाइक दिस. अब हमने बच्चे को इस तरह से एक पेंसिल ड्रॉ करके ये समझाया कि बिकॉज इट इज नॉट नियर टू अस, ये हमारे पास नहीं है, तो पेंसिल के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट. क्योंकि ये हमारे पास नहीं है और ये एक पेंसिल है तो इसलिए हम यूज करेंगे दैट. और ये जो 3 पेंसिल्स है, 1 2 3, ये जो पेंसिल्स है ये मोर देन 1 है. एक तो ये हमारे पास नहीं है, पहली कंडीशन, दिस इज नॉट क्लोज टू अस, दिस इज फार फ्रॉम अस. और दूसरी ये कंडीशन कि ये जो पेंसिल्स है वो मोर देन 1 है, वो 3 है. तो जब चीजें दूर होंगी और एक होंगी तो हम उसके लिए यूज करेंगे दैट. और जब चीजें दूर होंगी लेकिन मोर देन 1 होंगी, एक से ज्यादा होंगी, तो हम उसके लिए यूज करेंगे दोज. हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? 1 2. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दीज. बिकॉज ये 2 ट्रीज हैं और ये बिल्कुल हमारे पास हैं. जब चीजें हमारे पास हो और मोर देन 1 हो, एक से ज्यादा हो, तो उसके लिए यूज करेंगे दीज. स्पेस आर ट्रीज. और हमने एरो लगाया है ये सिग्निफाई करने के लिए कि ये हमसे दूर है, हमारे बिल्कुल पास नहीं है. तो हमारे पास यहां कितनी ट्रीज है? 1 2. जब चीजें दूर हो और एक से ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल यहां 2 ट्रीज हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? दोज. दोज आर ट्रीज. एग्जाम्पल अगर यहां 1 ट्री होता तो हम यहां क्या यूज करते? दिस. बिकॉज ये ट्री बिल्कुल हमारे नजदीक पे है. लेकिन यहां क्या है कि 1 2 ट्रीज है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दीज. इन द सेम वे
ये जो ट्रीज है, 1, 2 ट्री है, ये हमसे दूर है और मोर देन वन है, दो ट्रीज है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दोज। अगर ये ट्री दो ना होके अगर एक ही ट्री होता और हमसे दूर होता तो हम यहां क्या यूज करते, दैट। नाउ आई हैव वन वर्कशीट रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ दीज एंड दोज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दीज दोज। हियर आर टू कप्स, 1, 2, बिकॉज दे आर मोर देन वन एंड नियर टू अस। वट नियर टू अस, वट वी विल यूज हियर, दीज। दीज आर कप्स। सेम वे ब्लैंक आर फ्लावर्स। फ्लावर्स आर फार फ्रॉम अस, दे आर नॉट क्लोज टू अस, दे आर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम अस, एंड दे आर मोर देन वन। सिंस दे आर मोर देन वन एंड फार फ्रॉम अस, वट वी विल यूज हियर, दोज। स्पेस आर मैंगोज। हाउ मेनी मैंगोज, 1, 2, 3, 4, 5, मोर देन वन, एंड दे आर नियर टू अस। सिंस दे आर मोर देन वन एंड दे आर नियर टू अस, वट वी विल यूज हियर, दीज। जब चीजें एक से ज्यादा हो और हमारे बिल्कुल ही पास हो, क्लोज हो, और यू कैन से वेरी नियर टू अस, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दीज। रिकैपिचुलेट, व्हेन वी सी वन थिंग विच इज नियर टू अस वी यूज दिस। जब हम एक चीज अपने पास देखते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं दिस। व्हेन वी सी मेनी थिंग्स नियर टू अस क्लोज टू अस, जब बहुत सारी चीजें अपने पास देखते हैं या फिर पीपल भी अपने पास देखते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं दी। एरो से हमने ये सिग्निफाई किया है कि दिस ट्री इज फार फ्रॉम अस, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, दैट, बिकॉज ये फार है हमारे लिए और ओनली वन है। व्हेन वी सी वन थिंग और वन पीपल विच इज फार फ्रॉम अस वी यूज दैट, एंड व्हेन वी सी द थिंग्स विच आर फार फ्रॉम अस, दीज ट्रीज आर फार फ्रॉम अस एंड दे आर मोर देन वन, बिकॉज व्हाट वी विल यूज, दोज ट्रीज। आवर लास्ट वर्कशीट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस दैट दीज दोज। ब्लैंक इज एन एरोप्लेन। सिंस दिस एरोप्लेन इज फार फ्रॉम अस एंड वन इन नंबर, वी विल यूज दैट हियर, दैट इज एन एरोप्लेन। ब्लैंक इज अ कपकेक। सिंस द कपकेक इज नियर टू अस एंड इट इज ओनली वन, वी विल यूज दिस हियर। सिंस जग्स आर टू इन नंबर एंड वेरी क्लोज टू अस, वी विल यूज दीज। दीज आर जग्स। ब्लैंक आर बर्ड्स। सिंस बर्ड्स आर फार फ्रॉम अस, वी सिग्निफाई इट विद दिस एरो एंड दे आर मोर देन वन, एक से ज्यादा है और वो हमसे दूर है, जैसा कि हमने इस एरो से सिग्निफाई किया है। तो व्हाट वी विल यूज हियर, दोज। क्लोज टू अस एंड इज वन इन नंबर, सो व्हाट वी विल यूज, दिस। दिस इज अ बुक। With this, we have come to an end of this, that, these, those concept session. If you found the video really helpful, please इसे like जरूर करें and do subscribe our channel for more such informative videos. Thanks for watching.